और आइए सीधे चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां भूपेश बघेल जो हैं वो कई जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वो एक सभा को संबोधित कर रहे हैं, कार्यक्रम को। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। लोगों को रखा, 7 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, उसके इलाज की व्यवस्था करना आसान नहीं है। भारत सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी, लेकिन लोगों की व्यवस्था के बारे में कोई चिंता नहीं। लेकिन हमारी सरकार ने किया, हमारी सरकार ने, आप देख रहे हैं, देश में मंदी का दौर चल रहा है, दुनिया में मंदी का दौर चल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मंदी का असर नहीं है। 2 साल आप देख लीजिए, जहां किसानों के ऋण माफी किया, 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी किया, 4000 प्रति माना बोरा के दर से तेंदू पत्ता खरीदा, समर्थन मूल्य में लघु अनुपज खरीदा, बिजली बिल 4 यूनिट तक के आधा किया, उसका फायदा क्या? उसका फायदा ये हुआ कि आम जनता की क्रय शक्ति बढ़ गई, उसकी क्षमता बढ़ी। तो जब पैसा रहेगा, अभी दीपावली के सीजन आया, हमने 1500 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाला, बाजार में रौनक, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, चाहे सोना चांदी की दुकान हो, चाहे जूता चप्पल की दुकान हो, ऐसा कोई दुकान नहीं था, चाहे वो सरगुजा हो, चाहे बस्तर हो, चाहे रायपुर हो, चाहे राजनांदगांव, सभी जगह सभी दुकानों में भीड़, इतनी भीड़ तो दिल्ली में भी हमने नहीं देखा। लोग मुझे पूछते थे, आप किसान के लिए आप कर रहे हैं, किसानों को आप बोनस दे रहे हैं, गरीबों के लिए मनरेगा का काम चल रहा है, आदिवासियों के लिए लघु उपज और तेंदू पत्ता खरीदी व्यवस्था कर रहे हैं। व्यापारी पूछे कि हमारे लिए क्या कर रहे हो आप, मैंने कहा कि आपके जो ग्राहक हैं उसके जेब में पैसे डालने का काम किया है, और आज पूरे छत्तीसगढ़ में व्यवसाय व्यापार फल फूल रहा है, मोटरसाइकिल सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ट्रैक्टर कोरोना काल में सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इतने ट्रैक्टर की बिक्री हुई, इतने मोटरसाइकिल और कार और जीप की बिक्री हुई, इससे पहले इतिहास में कभी इतना नहीं बिका जितना छत्तीसगढ़ में इन 2 वर्षों में बिका है। क्यों? छत्तीसगढ़ के लोगों की जेब में पैसा डालने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया, आपकी सरकार ने किया। आज बहुत जरूरत है कि आपके अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। हमने तो, ये कुछ लोग हैं गौ भक्त होते हैं, गौ माता की जय हो नारा लगाते हैं, वोट भी मांगते हैं, लेकिन गौ माता की सेवा नहीं करते। कोई जानवर मवेशी बेचने जाए, उसे पकड़ ले लेंगे और पैसा वसूलने काम करते हैं, वहां भी पैसा वसूली करते हैं, लेकिन सेवा नहीं करते। ये छत्तीसगढ़ सरकार है जो गौ माता की सेवा कर रहे हैं, मवेशियों की सेवा कर रहे हैं, और गोबर 2 रुपये किलो में, हिंदुस्तान के और दुनिया में कोई सरकार नहीं है जो 2 रुपये किलो में गोबर खरीदे, गौठान का निर्माण करे, इतने गौठान किसी सरकार ने नहीं किया जो हमने किया। जो गरीब लोग हैं उसकी भी व्यवस्था, चरवाहा है हमारे क्षेत्र में, एक चरवाहा से पूछा कितना कमा लेते महीने में गोबर बेचे, उन्होंने कहा 25,000 रुपया। कभी गोबर से पैसे कमाने सोचे थे? गोबर ट्राली में बिका करती है, लेकिन हमारी सरकार ने किलो में खरीद रही है, उसका वर्मी का पोस्ट बनाएंगे, बनने का काम चल रहा है, बहुत सारे लोगों को उसमें रोजगार भी मिलेगा। तो हमें लोगों में संपन्नता कैसे आए, ये हमारी कोशिश। फॉरेस्ट राइट एक बात बहुत होती, हमने फिर से जिनका छूट गया फिर से बारिश के राइट एक तहत पट्टा देना है, निजी पट्टा निजी दावे का होगा ही, सामुदायिक दावा भी हमने किया है। सब गांव के गांव में जो जंगल है वो गांव वालों के लिए अधिकार क्षेत्र में हो, और इसलिए अभी 1300 गांव में 5 लाख हेक्टेयर हमने सामुदायिक दावे को दिया है। मैं जसपुर के इलाके जानता हूं, बैजन कुमार पटेल जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो मुझे
इस इलाके का प्रभारी मंत्री बनाया था, आरती सिंह जिस समय जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष थे, ये सब लोग बैठे हैं जसपुर जिले के। मैं इतना दावा करता था कि ये लोग बोलते थे भैया आप दौरा कम करो, बहुत ज्यादा दौरा आ रहेगा। मैं पूरे इलाके घुमा हुआ हूं, कितना सुंदर वातावरण, कितने बड़े जंगल यहां के, नदियों में पानी, यहां लीची भी है, यहां कटहल भी है, अनेक प्रकार के फल और सब्जियां यहां उत्पादन हो भी रहा है और किया जा सकता है। यहां के जंगलों में हमने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिया है, अब आप सागौन नहीं लगाएंगे यहां के जंगलों में, यहां के जंगलों में फलदार वृक्ष लगेगा जिससे गांव के लोगों का आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी, पैसा कमाया उससे। और वहीं जो जिन चीजों का उत्पादन होता है वहीं फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगे ताकि उसका वैल्यूएडिशन भी हो, पैसा भी कमाए और उस वैल्यूएडिशन के माध्यम से रोजगार भी मिले। जसपुर के विकास के लिए यहां तेजी से विकास हो, जिसके बारे में विधायक जी ने जो बात कही कि आपके यहां चन्ना की तहसील की मांग बहुत दिन से की जा रही थी, वो हमने किया, 17 नए पंचायत का गठन भी किया और ये सभी भवन बन के तैयार भी हो गए हैं। साथ ही 8 विकास खंडों में फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए जमीन चिन्हांकित कर ली गई है और वहां जल्दी से जल्दी ये काम शुरू हो। जसपुर के लिए काम बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पहाड़ी कोरवा बिहोर जैसे विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग रहते हैं और इनके ये जंगल पे ही निर्भर रहते हैं, इसलिए यहां के काजू, लीची, नाशपाती, चाय, ताऊ बहुत ऐसे उपज हैं जो और कहीं नहीं होता, वो हमारे जसपुर इलाके में होता है। तो इसमें फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा कीमत हमारे साथियों को मिले। सन्ना में मिर्ची यूनिट की तैयारी चल रही है, वहां भी लगाए मिर्च उत्पादन होगा तो मिर्ची प्रोसेसिंग प्लांट भी वहां लगे। उसी प्रकार से बहुत सारे संभावनाएं हैं जिसके दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि यह जिला पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए पिछले साल जब हम लोग कुनकुरी आए थे, यूडी मिंज ने 3 दिन तक के कुनकुरी क्या महोत्सव मनाया था, जसपुर महोत्सव, जसपुर महोत्सव मनाया था, बहुत सारे एडवेंचरस खेल उन्होंने आयोजित करवाया था। यहां पूरी संभावना है, उसको देखते हुए पर्यटन के दृष्टिकोण से इस जिले को विकसित हम लोग करेंगे। साथ ही विधायक जी ने बहुत सारी मांग की है, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जहां इनकम बढ़े वहीं शिक्षा की बहुत जरूरत है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं लेकिन अर्थव्यवस्था, घर की अर्थव्यवस्था इजाजत नहीं देती, इसलिए हमने इस साल 53 इंग्लिश मीडियम स्कूल पूरे प्रदेश में शुरुआत की। आज जसपुर में गया था, जसपुर के 1932 से संचालित स्कूल बिल्कुल जर्जर हो चुका था, जो पहले देखे थे उस स्कूल को और आज जाके देखें, कलेक्टर ने 1 करोड़ रुपया खर्चा करके बिल्कुल जीर्णोद्धार कर दिया, नया बिल्कुल नया लग रहा है। और वहां जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मैं टीचरों से बात किया, 70% पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब चौथी और पांचवी के जो बच्चे हैं फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं, यहाँ निःशुल्क पढ़ाई होगी। तो हमारे जो गरीब लोग हैं, हमारे कम आय मध्यम आयु वर्ग के लोग हैं जो बड़े बड़े इंग्लिश स्कूल मीडियम में नहीं पढ़ा पाते, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करें ताकि हमारे बच्चे भी देश दुनिया में अपने परिवार का, समाज का और इस प्रदेश का नाम रोशन करें। अंत में
हमारे विधायक जी ने बहुत सारी मांग की है कि जसपुर से सन्ना के बीच में जो 9 किलोमीटर सड़क बच गया है उसे निर्माण करने की बात कही है, मैं उसकी घोषणा करता हूं। साथ ही पुलिया निर्माण कार्य पंचायत रेमेंड से कोरगा कोना में ईब नदी पर पुलिया निर्माण की बात उन्होंने कही है, उसकी भी स्वीकृति। और सन्ना तहसील तो बना दिया गया है, हॉस्पिटल की मांग उन्होंने की है तो उसके भी डीएम से उसके भी स्वीकृति की घोषणा मैं करता हूं, हॉस्पिटल भी वहां बने। देव महादेव पार्क सन्ना में एक कॉलेज की मांग उन्होंने कही है, अब बजट सत्र आएगा तो देखेंगे। आरती भी बोल रही थी कोरबा कॉलेज के लिए, कोरबा के लोग बहुत उत्साहित हैं। ये वैसे भी मैं यहां इस जिले में उद्यानिकी महाविद्यालय की घोषणा पहले ही कर दिया है तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग एग्रीकल्चर और उद्यानिकी में हम लोगों को बच्चे आगे बढ़े की उसकी संभावनाएं बहुत है, इसलिए आप चाहते हैं तो वहां भी उद्यानिकी महाविद्यालय आपके कोदवा में और सन्ना में भी मांग किए हैं तो वहां निश्चित रूप से जसपुर में हमारे कोरवा बहुल क्षेत्र है, तीरंदाजी केंद्र के भी मांग हमारे विधायक जी ने की है, यहाँ अकेडमी खुले उसकी भी घोषणा करता हूँ। और साथ ही जहाँ सबको आखिरी में जाना है मुक्ति धाम उसके विकास के लिए भी 40 लाख रुपए की घोषणा मैं करता हूँ। तो इन्हीं के साथ इससे अलग है जब आपके जिले में आएंगे तो घोषणा करवाइएगा। हाँ तो आपके जिले में जाएंगे तो घोषणा करेंगे ना। प्रतापगढ़ केवसा से केजी रोड उन्नयन 30 किलोमीटर इसकी भी घोषणा मैं करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो आत्मीय स्वागत किया है, स्नेह दिया है, उसके लिए भी धन्यवाद। धान खरीदी चल रहा है उसका सही ढंग से क्रियान्वयन हो और सभी गरीब से गरीब किसान भी अपना धान बेच सके, रजिस्ट्रेशन कराए हैं, उनके विशेष ध्यान हमारे सभी जनप्रतिनिधि संगठन के लोग और प्रशासन के लोग देखें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय शक्ति, छत्तीसगढ़ जय जसपुर। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल। इसके पश्चात में कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में मैं आग्रह करूंगा अपना है जसपुर माननीय जी मेरा भगत जी एवं जिला कलेक्टर जसपुर माननीय अनुरोध कि वे बगीचे में एक मिनट बगीचे का अस्पताल के संधारण के लिए मुख्यमंत्री भूपेश है ना जी को पहले तो संधारण करवा दे उसकी मेरे को करने का कष्ट है। मैं अनुरोध करूंगा विधायक जसपुर माननीय जी मेरा भगत जी मैं जिला कलेक्टर ये हमारे तो ये थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो जशपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और जशपुर को उन्होंने आज कई करोड़ों की